नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज में। फिर पैडमैन की रिलीज के बाद अब अक्षय कुमार के पास एक और बायोपिक पर काम करने का ऑफर आया है। खबर है कि वो मिल्कमैन के नाम से मशहूर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जीवन पर बन रही फिल्म में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। एकता कपूर ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जीवनी पर आधारित किताब के राइट्स खरीदे हैं। एकता चाहती हैं कि इस फिल्म में अक्षय कुमार कुरियन की भूमिका में नजर आएं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि निर्माता अक्षय को इस फिल्म के लिए सही मानते हैं। अक्षय ने हाल ही में टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी सोशल मुद्दों पर आधारित फिल्में की हैं, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है। इसे देखते हुए निर्माता उन पर विश्वास करते नजर आ रहे हैं और उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया जा सकता है। फिल्म के डायरेक्टर और एडिटर श्री नारायण सिंह ने डॉक्टर कुरियन के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने सामान्य जन और महिलाओं के लिए सराहनीय काम किए हैं। वो एक दूरदर्शी सोच वाले बिजनेसमैन थे, साथ ही एक अच्छे इंसान भी थे। फिलहाल इस पर अभी अक्षय कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाल ही में रिलीज हुई उनकी पैडमैन को देश भर में लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म ने अपने रिलीज के दो दिन में करीब 24 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है।